हेलो कार्तिक, हेलो आपकी फिल्म आ रही है प्यार का पंचनामा पार्ट टू। जी तो कैसी रही जर्नी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार का पंचनामा से प्यार का पंचनामा टू की जो जर्नी मेरी रही है, बहुत ही ऊपर नीचे वाली, अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। एंड काफ़ी, जैसे प्यार का पंचनामा वन जब मैंने की थी तो ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही एक पहली फिल्म आपको मिलती है। व्हेन यू डोंट हैव अ गॉडफादर इन द इंडस्ट्री, तो आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है इसके लिए। प्यार का पंचनामा वन ऑल्सो हैपेंड आफ्टर लाइक 6 मंथ्स ऑफ ऑडिशनिंग फॉर द सेम फिल्म। तो उसके बाद जब प्यार का पंचनामा वन हुई एंड देन आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी मेरे को साथ ही साथ मिली थी। बेसिकली ऑडिशन आकाशवाणी का था, हुई फिल्म पहले प्यार का पंचनामा, फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इज़ अगेन क्लोज टू माई हार्ट। जिन्होंने भी अभी तक वो आकाशवाणी, आज तक बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन जिन्होंने देखी है, वो काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी और काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। तो वो थोड़ी सीरियस फिल्म थी, पहली वाली मेरी कॉमेडी फिल्म थी, तीसरी वाली जो कांची मैंने की थी उसमें थोड़ा एक्शन था। कैरेक्टर्स तीनों के बहुत अलग रहे, तो रज्जो से जो मैं गोगो के कैरेक्टर में अभी आया हूँ प्यार का पंचनामा टू में, बेसिकली ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था कि क्योंकि प्यार का पंचनामा वन की है तो टू भी करूँगा। उसमें ये चीज़ रहती है कि एक फेस वैल्यू प्यार का पंचनामा के साथ अटैच थी मेरी, जो मेरे डायरेक्टर जो लव सर हैं वो भी यही हमेशा से कहते हैं कि वो एक रिकॉल वैल्यू आती है जब आप सेम एक्टर को सीक्वल में लेते हैं, अदरवाइज़ उसका कुछ रिकॉल वैल्यू जो होता है वो और इससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो मोनोलॉग वाली चीज़ थी उसमें। वो बाबू वाला जो कपल था वो बहुत चीज़ें लोगों से अटैच किया था और रिलेट हुआ था लोगों को, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी आई थिंक प्यार का पंचनामा टू में रिकॉल लाती हैं वन की। बट उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट वाइज पूरी अलग फिल्म है। प्यार का पंचनामा अगर आप देखोगे वो टोटली अलग है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, द स्टोरी वाइज, तो वो फिल्म अलग है और ये फिल्म अलग है। थीम सेम पकड़ा हुआ है क्योंकि कैरेक्टर्स नए हैं, उनकी जर्नी अलग होगी और कैसे इनकी भी लग रही है रिलेशनशिप में, वो प्यार का पंचनामा टू में होगा। जहाँ तक हम जानते हैं आप ही सिर्फ आप और आपकी जो ऑपोजिट हैं, जो आपकी एक्ट्रेस हैं, जी वही हैं इस फिल्म के जो पहले पहले भाग एक के जो पात्र थे। आप दोनों ने ही इस फिल्म को शायद अपने कंधों पर उठाया है, कितना मुश्किल था लोगों के साथ ये एक तो ये फिल्म का बहुत ही यूनिक चीज़, जो USP, एक वन ऑफ द USPs है, वो एक ब्रोमांस इस फिल्म में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप फिल्में देखेंगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या दिल चाहता है, या तो प्यार का पंचनामा भी एक ब्रोमांस वाली फिल्म होती है। उसमें मतलब जब आप दूसरी फिल्म वापस से उसका अगर सीक्वल हो रहा है, तो अगर उस सीक्वल में आप हैं और नए कैरेक्टर्स आपके साथ हैं, लेकिन वो फिल्म एज सच उस फिल्म का सीक्वल नहीं है, ये एक नई फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने सराहा है, तो वो ऑलरेडी एक एडेड चीज़, पॉजिटिव चीज़ आपके पास थी कि एक रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है जिससे पूरी यूनिवर्सली हर कोई रिलेट करता है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये कॉन्सेप्ट इस फिल्म में यूज़ हो रहा है, प्यार का पंचनामा टू में भी वो हो रहा है, तो उससे कोई प्रेशर नहीं आने वाला, उससे इनफैक्ट एक एडेड वैल्यू है जो प्यार का पंचनामा, क्योंकि उसको स्टेटस भी जिस हिसाब से यूथ में वो कल्ट स्टेटस माना जाता है उस फिल्म का, वो एक एडेड लॉयल फैंस इसमें भी प्यार का पंचनामा टू में आएंगे। तो ये जो दो आपके सह कलाकार हैं, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे? देखिए, जब प्यार का पंचनामा वन आई थी तब ना लोग चौधरी जानते थे, लिक्विड जानते थे, रज्जो जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, प्यार का पंचनामा को नहीं जानते थे। जब वो आई तब वो कैरेक्टर्स एकदम से लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ गए। प्यार का पंचनामा टू के साथ भी यही होने वाला है। ये कैरेक्टर्स इतने डिफाइंड है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, वही प्यार का पंचनामा टू की खासियत भी, कि कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे की कैरेक्टर स्पेस में नहीं जा पाता, हर किसी का एक यूनिक डायरेक्शन है और एक कैरेक्टर है डिफाइंड है, जो कि अगेन जब लोग देखेंगे ये फिल्म तो वो भूल जाएंगे प्यार का पंचनामा वन क्या थी। प्यार का पंचनामा वन एक अलग फिल्म की तरह याद रखेंगे और प्यार का पंचनामा टू को एक अलग फिल्म की तरह याद रखेंगे। पार्ट वन में आपने 5 मिनट का एक मोनोलॉग बोला था जी, जो लोगों अब तक शायद किसी एक्टर ने नहीं किया है जी, तो और सेम रिपीट हो रहा है इसी जी, जी, मतलब अलग लाइंस के साथ, अलग इमोशंस के साथ, कितना मुश्किल था उसको याद कर पाना, और क्या वो एक ही टेक में था या बहुत सारे टेक लिए गए? एक ही सिंगल शॉट है वो, उसकी खासियत ये है, उसको मोनोलॉग ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सिंगल शॉट में हुआ था एंड उसमें कोई कट्स नहीं है। तो जो ये वाला लिया था पिछली बार वाला 5 मिनट का था, ये वाला मैंने जो एक्चुअली किया था वो 12 मिनट का वन शॉट था, सिंगल शॉट था। टेक्स तो ऑब्वियसली आप लेते हैं, टेक्स मेरा दूसरा टेक इसका ओके टेक था, लेकिन वो भी एक फ्लो में था। मैं आई थिंक 9वें या 10वें पेज पे था तब मेरा पहला एक फंबल हुआ और वो रीटेक हो गया, तो वो सेकंड टेक पे फिर मेरे को करेक्ट करके बार बार मैं रिपीट कर रहा था फिर वो फ्लो वापस। तो इसमें क्या होता है, मोनोलॉग में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप एक टेक दे दो तो दूसरा टेक आपको स्टार्ट से शुरू करना है। अब वो स्टार्ट के जो 3 मिनट होते हैं ना या 2 मिनट होते हैं, वो बहुत अखरते भी है दिमाग में और आपको वो चीज़ दिमाग से हटा के रखनी पड़ती है कि यार ये नई चीज़ कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत अखरता है कि यार वापस
रास्ते वहाँ तक जाओ जहाँ गलती की थी और फिर उसके आगे का, तो वो एक मोनोलॉग में बहुत था क्योंकि ये 12 मिनट का बोल रहा था, तो दूसरा टेक मतलब 24 मिनट तक जाएगा। तो कितना टाइम लग गया उस एक पर्टिकुलर डायलॉग को याद करने में? आई थिंक उसको याद करने में मेरे को टाइम ज़्यादा मिला ही नहीं था। हम लोग शूट कर रहे थे एक सेट पे और मोनोलॉग क्या है, इतना हाइप्ड था वो प्यार का पंचनामा 1 की USP बन गया था, तो प्यार का पंचनामा की USP बन गया था मोनोलॉग। तो उससे क्या है कि वो इतना हाइप था कि लव सर ने वो छुपा के रखा था, स्क्रिप्ट भी दी थी तो बिना मोनोलॉग की दी थी। जब शूट कर रहे थे तब तक मैं पूछ रहा था कि सर अब एक हफ्ता रह गया, अब तो दे दो मेरे को मोनोलॉग। तो 25 पेज की एक स्क्रिप्ट लाए थे जो पूरा मोनोलॉग था, उसको उनने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला ये है। तो मैंने कहा सर 25 पेज, अभी पूरा दिन रात में ये शूट कर रहा हूँ, मैं याद कब करूँगा, बोलूँगा कब, परफॉर्म कब करूँ। तो उनने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो टेंशन मतलब 12 पेज का होगा। मैंने टेंशन मतलब 12 पेज का भी कुछ होता है? तो 12 पेज का फाइनली कैसे भी वो विद इन अ वीक, जिसमें आई थिंक आई वाज शूटिंग फॉर द सेम फिल्म ओनली डे एंड नाइट, तो मैंने बस वो रिकॉर्ड कर लिया था, वॉइस मेमो बना लिया था उसका, वो सुनता रहता था। तो उसके सुनने से थोड़ा सा एक बार 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 याद होता रहा, याद होता रहा, एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। जो पार्ट वन में थे जी, जो आपके सह कलाकार थे, उनके कभी फोन्स आए कि वी आर मिसिंग दिस मूवी और कुछ ऐसा हुआ कि मतलब उनको क्यों नहीं लिया गया, मतलब आप तो हैं ही? यार मेरे साथ क्या था, मैं 20 साल का था जब प्यार का पंचनामा 1 की, और बहुत छोटी उम्र में मैं लॉन्च हो गया। एंड उसके पहले मैं 17 साल का था तब से मैंने इंडस्ट्री में आने की वो कर दी थी, 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था, ऑडिशंस दे रहा था इधर उधर, एक्टिंग सीख के आया था, तो ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन जब ये फाइनली प्यार का पंचनामा हैपेंड तो मैं बहुत उम्र में फिर भी छोटा था, तो वो 20 से जो अभी प्यार का पंचनामा 2 बन रही है, 25 की एक उम्र होती है ना, उसमें एक बॉय टू मैन का एक कन्वर्जन होता है, तो आपकी शक्ल, आपके बोलने का तरीका, आपकी हर चीज़ में ना बहुत चेंजेस आ जाते हैं। वो मेरे साथ काफ़ी आई थिंक वो मेरे लिए हेल्पफुल भी रहा शायद से। और दूसरी बात एक है कि फेस वैल्यू उनको प्यार का पंचनामा 1 में बाबू कैरेक्टर और दूसरा वो मोनोलॉग वाली जो बातें थी वो बहुत चिपक गई थी लोगों के दिमाग में और वो वायरल बहुत हो गया था। तो प्यार का पंचनामा को रिकॉल के लिए भी उनको एक एक्टर चाहिए था, विच आई फील लव सर थॉट कि मैं शायद से एक रिकॉल देता हूँ और मोनोलॉग किसी और से बुलवाना नहीं था, एंड ही बिलीव्स इन मी एज एन एक्टर, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। ही एंड कुमार जी एंड अभिषेक, मतलब दे हैव बीन देयर फॉर मी जब से मैं इंडस्ट्री में स्टार्ट किया हूँ, और उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा 1 से स्टार्ट किया हूँ, तो आकाशवाणी भी उनकी थी, तो आई थिंक वो एक बिलीफ सिस्टम भी बन गया। तो ये 3-4 चीज़ें ना सब मेरे लिए काफ़ी काम आ गई हैं चीज़। आप पार्ट 1 कर रहे थे जी, तो तभी डिसाइडेड था कि पार्ट 2 भी बनेगा? नहीं, तब एक्चुअली डिसाइडेड नहीं था, तब प्यार का पंचनामा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिसाइड किया था। तब तो आई थिंक 2010-11 पे इतनी सीक्वल्स भी नहीं बन रही थी, तो सीक्वल का तो मेरे को एक्चुअली तब तक पता नहीं था। सीक्वल की बातें जब फिल्म बनी उसके बाद लोगों ने बोलना चालू किया कि इसका सीक्वल कब आएगा, क्योंकि तब सीक्वल का अचानक से ज़माना आ गया था। तो लोग आके कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज की लड़कियां, इनफैक्ट मतलब कितने लोगों ने मेरे को बोला कि इसका सीक्वल आना चाहिए, ये एक फिल्म है जिसका सीक्वल आना चाहिए। तो वो आई थिंक उस चीज़ से ना फिर ये बना कि नहीं, सीक्वल तो बना रहे थे बट उसकी राइटिंग में फिर टाइम इतना लिया कि 3-4 साल तक लिखते लिखते कैरेक्टर्स इतने डिफाइन किए, एंड देन फाइनली जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर अब फिल्म आपके सामने है। कार्तिक, जैसे पहली फिल्म लिखी जा चुकी थी और बहुत छा गई थी लोगों के दिलों पे, तो जब दूसरी फिल्म लिखी जा रही थी तो कुछ आपने उस पट कथा में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि सर ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, कभी कुछ ऐसा भी हुआ था या कुछ और लोग भी शेयर कर रहे थे कि ये भी लिख दीजिए, या फिर एक ही? आई थिंक लव सर सेल्फ सफिशिएंट है, उनने जो लिखा है वो उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलेटेबल हैं ऑलरेडी, तो कुछ भी आप ही होते हो जो ऐसे बोल रहे होते हैं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है, या आपने कहाँ से लिखा है। लेकिन वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आप अपने दोस्तों में ऑब्जर्व करते हैं और उनके साथ हो रहा होता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता है उसकी कट रही है और वो समझ नहीं रहा है। तो जब ये फिल्म आपको ऑफर की गई है, बताया गया कि सीक्वल बन रहा है, तो कुछ मतलब खुशी हुई या प्रेशर आ गया कि मुझे यार पार्ट 1 की कंपैरिजन में और अच्छा करना, कुछ ऐसा था कि क्या हाँ देख लेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे और जो भी होगा दिखाया जाएगा, कुछ ऐसा एटीट्यूड था? आई थिंक मैं बस ये बात से वो था कि प्यार का पंचनामा 1 में ऐसा क्या रह गया था जो प्यार का पंचनामा 2 में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता थी, तो तब मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन जब नरेशन हुआ, इट वॉज वी वर इन स्प्लिट्स, मतलब इट वॉज अ हिलेरियस नरेशन, हम लोग ऐसे थे कि शिट ये सब भी बचा था, ये सब भी होता है, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसा वो सारी चीज़ों ने ना एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था कि यार प्यार का पंचनामा 1 में जो था वो अलग था, अब ये कैरेक्टर अलग है, इसके साथ ये चीज़ें बहुत सही हो रही हैं।
तो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ ना अलग अलग स्टोरीज डेवलप हो जाती हैं जो रियल लाइफ में रिलेटेबल होती है। तो ऐसा प्यार का पंचनामा के तीन कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए थे, ऐसे दुनिया में तमाम कैरेक्टर्स हैं। कार्तिक, फिल्म का कोई बेहद मुश्किल सीन जो आपको अभी भी याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार वो चीज़ मुझे याद आती है और उस वक्त ये घटना घट गई थी, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे संभाला, कुछ ऐसा कुछ आप हमारे साथ शेयर करें ये वाली फिल्म में? इसी वाली फिल्म में आई थिंक ऐसे कुछ रोंगटे खड़े करने वाला कोई सीन प्यार का पंचनामा 2 में नहीं हो सकता। मेरे को मोशन सिक बहुत होता है, तो हम लोग यॉट में शूट कर रहे थे, गाना है हीरे, तो वो गाने के शूट के टाइम पे यॉट में बीच समुंदर में, एक तो मोशन सिकनेस हो रहा है, उसके ऊपर से बोल दिया था कि समुंदर में कूदना है, तो वो एक था जिस टाइम मैं ऐसा था कि भाई मैं पहली बार यॉट में बैठ रहा हूँ, मेरे को मोशन सिक हो रहा है और आप अब बोल रहे कूद जाओ, तो वो एक नॉर्मल सी बात थी, मोन्टाज था। उसके अलावा एज सच कुछ किसी चीज़ में ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई, बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं। मैं बताऊँगा कि अगर इसमें बहुत ही यूनिक तरीके का एक ब्रेकअप सीन है जो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, आई एम श्योर जब वो देखेंगे तो वो ऐसे वो आज तक ऐसा किया नहीं गया। एंड मोनोलॉग ऑब्वियसली आप मतलब वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि मोनोलॉग अब आप उसका रीटेक अगर हो जाए तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था शिट अब रीटेक क्यों हो रहा है, वो एक बात है, क्योंकि मोनोलॉग एक डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप स्टार्ट टू एंड तक पूरा विदाउट फंबल विदाउट एनी टेंशन एंड परफॉर्मेंस के साथ आप जब करते हैं तो रिपीट करने में ना आपको वापस से वो फ्लो लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे डायरेक्टर आपसे कहते हैं कि कार्तिक आपको ये सीन करना है और आपको थोड़ा अटपटा सा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों, अगर थोड़ा ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ डिस्कशन चलता है, आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं? ऐसा कई बार होता है, आप कई बार ऐसी डिस्कशंस में पढ़ते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपका पॉइंट सही है और सामने जो डायरेक्टर हैं या फिर कोई और हैं जिनका पॉइंट उनको लग रहा होता है, या को एक्टर ही क्यों ना सही, किसी ना किसी को ऐसा लगता है। एंड कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं लेकिन वो शायद से वो सही नहीं होती उस टाइम के लिए, क्योंकि आप कुछ और आपने देखा हुआ होता है कहीं पे और आपने कुछ और परसीव किया होता है, उसके हिसाब से आप सोच रहे होते हैं, विच आई फील मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है और मैं काफ़ी चीज़ों में कई बार गलत भी हुआ हूँ लेकिन कई बार सही भी हुआ हूँ। एंड लेकिन वो होता है कि इट्स अ विजन ऑफ समवन जिस पे मैंने ट्रस्ट किया है, तो वो विजन मैं वो सारी बातें ना नरेशन के पहले सोचने से इन सारी चीज़ों के पहले होता है। कन्विंस्ड होने के बाद इम्प्रोवाइजेशन की जगह रहती है, आप करते हैं? बहुत बहुत इम्प्रोवाइजेशन, मैं बिलीव करता हूँ कि काफ़ी सीन्स ऐसे होते हैं जो आप कई बार नेचुरली जब इम्प्रोवाइज कर जाते हैं तो वो एक मैजिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और मैं उसमें बिलीव करता हूँ। एंड मैं इनफैक्ट मेथड एक्टिंग में बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन दोनों बहुत उल्टी चीज़ हो जाती है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन एक अलग ही उसमें चला जाता है, और मेथड एक्टिंग में भी एक वो थोड़ा सा आप वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं। कार्तिक, जैसे कि हमने काफ़ी बातचीत की फिल्म के बारे में, कुछ आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि जब आप मुंबई आए तो 3 साल की बहुत जद्दोजहद थी, आपने ऑडिशंस दिए, तो क्या क्या मुश्किल आ रही थी जब कोई गॉडफादर नहीं होता और अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में? देखिए वो आई थिंक हर किसी के साथ होता है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, मैं क्लिनिक अगर खोलूँगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी क्योंकि मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, बट अगर सेम ऐसे ही है, मैं अगर अच्छा बड़ा एक्टर बन जाता हूँ और मैं आगे जाके मेरे बच्चे हो रहे हैं तो वो स्टारकिड कहलाएंगे, उनको थोड़ा सा मौका ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये तो आपने बताया कि कैसे कैसे आप पहुँचे, थोड़ा हम पीछे जाएंगे और जानना चाहेंगे कि मतलब जब आप मुंबई आए तो कौन सी वो मुश्किलें थी जो तोड़ रही थी आपको, जो पीछे खींच रही थी? देखिए मैं क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं जब बॉम्बे भी आना था तो मैं वहाँ पे अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, जो कि हम लोगों को वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि मुंबई बहुत दूर है, मुंबई आना सब छोड़ छाड़ के और अपना अलग से एक्टिंग इंडस्ट्री जो आपको बिल्कुल नहीं पता जिसके बारे में, वो चीज़ों के लिए मैंने पढ़ाई का बहाना लिया, मैंने घर वालों को बोला मेरे को पढ़ना है, उसके लिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मुझे लगता था ऑडिशंस का पता लग जाएगा लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं लगता था, तो 2 साल वहाँ पे रहा, फिर वहाँ से मुंबई में आया, मुंबई में पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया एक कॉलेज का, वहाँ से मैं ऑडिशंस का पता करता रहता था, मैं इंटरनेट का यूज़ करता था कि उसमें, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता नहीं था, तो मैं कहीं पे कभी फेसबुक पे ढूंढने लगा
किसी ने वॉल पोस्ट डाल दिया हो कास्टिंग का, कोई कास्टिंग कॉल्स ढूंढता रहता था कहीं से पता लगे। इसी टाइम पे मैंने बीच में एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था जिसमें एक्टिंग भी सीख रहा था। तो कॉलेज छोड़ के मैं ये सब सारी चीज़ें कर रहा था। बेलापुर में रहता था, वहाँ से मैं लोखंडवाला आता था। मतलब रहा है, स्ट्रगल रहा है काफ़ी। मतलब आप जब तक आप धक्के नहीं खाएंगे तो जो आपको फल मिलेगा आगे जाके उसका उतना स्वाद नहीं आएगा। इस दौरान आपने बोला हुआ था अपने पेरेंट्स को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इस दौरान मम्मी पापा को ये लग रहा था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब तक मुझे फिल्म नहीं मिली थी तब तक मैंने ठान के रखा था कि अगर नहीं मिलेगा तो अलग ही बात है, मिल गया तो फिर तभी बताऊँगा मैं उनको, अदरवाइज मतलब नहीं है। तो जज्बा कायम रहा कि कभी बीच में टूटा भी यार? कई बार टूटता है यार, कई बार टूटा है। मतलब कई बार आपको ऐसा लगा है कि यार छोड़ दो, नहीं हुआ। शुरू में बहुत लगता था एंड तो वो कोई ऐसा भी वाक्य शेयर करें कि उस आई थिंक कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑडिशंस के लिए जाता था पूरी तैयारी के साथ जाता था और आपको हर बार कई बार अनफिट बोल देते थे। मतलब काफ़ी ऑडिशंस ऐसे दिए, कई बार छुटपुट इधर उधर के एड्स भी किए जो आज तक रिलीज ही नहीं हुए, मतलब छोटी छोटी कंपनीज के किए। तो वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं और पैसे नहीं होते, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको थोड़ा सा तो लगता है कि यार इससे अच्छा मैं घर चला जाऊँ शायद से, तो एक्टिंग छोड़ दूँ। बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को वो वाला दिन भी देखे हैं मैंने, अभी मैं इधर पे हूँ। तो इसीलिए मेरे पास एक जर्नी है मेरी खुद की, जो मेरी जर्नी है एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक जर्नी होनी चाहिए। लोगों को धक्के लगने चाहिए, उनको रियलिटी चेक मिलना चाहिए, उसी से आप ग्रो करते हैं, उसी से आप जहाँ हैं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ मेरे को अगर मेरे प्लेट पे सजा के सब दे दिया जाता तो मैं उस चीज़ की वैल्यू नहीं रखता। मैं इस चीज़ की वैल्यू रखता हूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव पेरेंट्स लाइक माय मॉम एंड डैड। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मुझे पहली फिल्म मिल गई है? मुझे जी रिएक्शन बहुत अच्छा था, शॉकिंग था उनका रिएक्शन बेसिकली। बहुत उनको पता नहीं था कि ये कहाँ से अचानक से हो गया एंड उनको बिलीव ही नहीं था कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये तो मम्मी मेरी बकायदा आई थी ग्वालियर से मुंबई, वो और मेरी मौसी और मैं बैठे थे डायरेक्टर के साथ और मेरे डायरेक्टर ने उन्हें ऑडिशन टेप दिखाया कि ये है आपका बेटा, ये एक्टिंग करना चाहता है, आपको 4 साल से नहीं बोल पाया। फिर उनने जब देखा प्रोडक्शन हाउस ऑफिस देखा तो थोड़ा सा बिलीव हुआ, फिर वो लोग ने भी बोला कि कैरी ऑन कर और फिर उन्होंने सपोर्ट किया तब से। कार्तिक आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।